हेलो स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स, हम आज एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं अपने लिसनिंग का। हम ये कह सकते हैं कि ये लास्ट पार्ट होगा हमारे टॉपिक लिसनिंग का, ठीक है। इस टॉपिक का नाम है एक्टिव एंड पैसिव लिसनिंग। इस टॉपिक का नाम है आपका एक्टिव एंड पैसिव लिसनिंग। अब एक्टिव एंड पैसिव लिसनिंग क्या होती है ये जानने से पहले अब हम क्विक रिकैप ले लेते हैं कि हम टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं। हम टॉपिक पढ़ रहे हैं लिसनिंग। लिसनिंग का मतलब क्या होता है? सुनना, ठीक है। लिसनिंग का मतलब क्या होता है? सुनना। जब हम किसी के द्वारा कहे गए कथनों को ध्यानपूर्वक सुनते हैं उस चीज़ को हम और आप इंग्लिश में लिसनिंग कहते हैं। हमने लिसनिंग के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी। लिसनिंग के बारे में हमने सबसे पहले ये पढ़ा कि LSRW नाम की एक चीज़ होती है जिसमें L का मतलब लिसनिंग होता है, ठीक है। और भी हमने लिसनिंग के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी। हमने टाइप्स ऑफ लिसनिंग पढ़े, हमने बैरियर्स पढ़े, हमने टेक्निक्स पढ़ी, हमने पुअर और इफेक्टिव लिसनिंग के बीच में डिफरेंस पढ़ा, हमने लिसनिंग और हियरिंग के बीच में डिफरेंस पढ़ा। जैसे कि मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में लिसनिंग और हियरिंग जब डिफरेंस पढ़ाया था और ये बताया था कि इस पूरे टॉपिक लिसनिंग में लिसनिंग और हियरिंग का डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी तरीके से ये टॉपिक है आपका एक्टिव और पैसिव लिसनिंग। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो टॉपिक है आपका एक्टिव और पैसिव लिसनिंग, ये भी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक्टिव लिसनिंग और पैसिव लिसनिंग भी आपका इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपका एक टाइप ऑफ लिसनिंग करके भी आ सकता है। ये क्वेश्चन या ये टॉपिक आपका डिफरेंशिएट बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव लिसनिंग के नाम से भी आ सकता है। ये क्वेश्चन या ये टॉपिक आपका थ्रो सम लाइट ऑन एक्टिव एंड पैसिव लिसनिंग के नाम से भी आ सकता है। बट अगर लिसनिंग के टॉप थ्री क्वेश्चंस के बारे में हमें निकालना हो तो एक्टिव और पैसिव लिसनिंग लिसनिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। अब हम पढ़ते हैं सबसे पहले दैट व्हाट डू वी मीन बाय एक्टिव लिसनिंग। नाम से ही पता चल रहा है एक्टिव का मतलब क्या होता है। नाम से ही पता चल रहा है एक्टिव का मतलब होता है एक तरीके से आप कह सकते हो एक्टिव का मतलब हुआ पूरी होश हवास में, पूरी तल्लीनता से, पूरे एंथुजियास्टिकनेस के साथ या पूरे मोटिवेशन के साथ जब हम कोई लिसनिंग करते हैं, यानी कि किसी की बात को पूरे अटेंशन के साथ सुनते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि एक्टिव मींस एक तरीके से हम जब किसी की बात को बहुत सारे अटेंशन से सुनते हैं तो उस चीज़ को हम और आप एक्टिव लिसनिंग कहते हैं। इसमें क्या होता है, हम ये कह सकते हैं कि व्हेन द लिसनर लिसन्स टू वन्स स्पीच अटेंटिवली। हम कह सकते हैं जब एक्टिव लिसनिंग वो लिसनिंग होती है या जब कोई लिसनिंग हो रही होती है, ठीक है, और उसके अंदर जो लिसनर होता है यानी कि सुनने वाला व्यक्ति होता है, ठीक है, वो किसी की बात को अटेंटिवली सुनता है। वो किसी की बात को कैसे सुनता है? अटेंटिवली। तो अटेंटिवली बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है आपका। जब लिसनर किसी की बात को अटेंटिवली यानी कि बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनता है और सुनने के बाद कॉम्प्रीहेंड करता है, ठीक है, सुनने के बाद कॉम्प्रिहेंड करता है इट्स मीनिंग। कॉम्प्रिहेंड इट्स मीनिंग का मतलब क्या होता है? किसी की बात को ध्यान से सुनता है और सुनने के बाद उस बात में उस व्यक्ति ने क्या कहा उस चीज को समझने की कोशिश करता है। कॉम्प्रिहेंड का मतलब क्या होता है? समझने की कोशिश करता है, ठीक है। इस चीज को हम और आप एक्टिव लिसनिंग कहते हैं, ठीक है। इस चीज को हम और आप क्या कहते हैं? एक्टिव लिसनिंग कहते हैं। जैसे कि आप ऐसे समझ लीजिए कि किसी ने कुछ कहा, स्पीकर ने कुछ कहा, ठीक है, अब वो बात कहाँ तक पहुँची? लिसनर तक। लिसनर क्या करेगा? लिसनर कानों से सुनेगा, उस मैसेज को कहाँ देगा? दिमाग तक पहुँचाएगा। कान से सुनेगा और दिमाग से मैसेज को क्या करेगा? दिमाग से मैसेज को क्या करेगा? समझने की, एनालाइज, कॉम्प्रिहेंड, या उस मैसेज के अंदर क्या कहना चाहा स्पीकर ने उस चीज़ को समझने की कोशिश करेगा। इसके अंदर हम ये कह सकते हैं जो लिसनर है, हम ये कह सकते हैं कि जो लिसनर है इसमें सारा रोल जो है वो उसी का है। लिसनर जो होता है इस प्रोसेस में बहुत ज़्यादा एक्टिवली इन्वॉल्व्ड होता है। एक्टिवली इन्वॉल्व का मतलब क्या होता है? पूरे अटेंशन के साथ, पूरे ध्यान के साथ वो इस प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व्ड होता है। किसके प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है? इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि इस प्रोसेस में जो लिसनर होता है वो बहुत ज़्यादा ध्यानपूर्वक इन्वॉल्व होता है स्पीकर और लिसनर के बीच में होने वाली वार्तालाप के दौरान या वार्तालाप में, मतलब पूरी तल्लीनता के साथ लिसनर स्पीकर की बात को सुनता है।
ठीक है, आप ये भी कह सकते हैं कि इसके अंदर जो लिसनर होता है आपका, वो पूरा कॉन्शियस एफर्ट लगाता है। कॉन्शियस एफर्ट्स का मतलब क्या होता है, जितना हो सकता है वो पूरी मेहनत करता है, ठीक है, टू हियर, किस चीज के लिए, टू हियर सुनने के लिए, नॉट ओनली द वर्ड, टू हियर नॉट ओनली द वर्ल्ड, ठीक है, वो उसकी बात को सुनने की कोशिश नहीं करता, किसकी, अनदर पर्सन की, ठीक है, अनदर पर्सन की, वो सामने वाले की बात को ध्यान से सुनने की कोशिश नहीं करता इंपॉर्टेंटली, बट सुनने के बाद उसके मतलब को भी बहुत अच्छी तरीके से क्या करने की कोशिश करता है, अंडरस्टैंड, ठीक है, मतलब की जो स्पीकर है जब वो कह रहा है तो लिसनर उसकी बात को ध्यान से सुनेगा, सुनने के बाद समझेगा, ठीक है, बहुत ध्यान से। आप ये कह सकते हो कि लिसनर पूरा एफर्ट लगाता है, खाली सुनने के लिए नहीं, सुनने के बाद उस चीज को समझने के लिए भी, सुनने के बाद लिसनर उस चीज को पूरी तरीके से समझने के लिए भी पूरा एफर्ट लगाता है, अंडरस्टैंड करने के लिए कि सामने वाला व्यक्ति क्या कह रहा है, ठीक है, और कंप्लीट करता है मैसेज को क्या कंप्लीट करता है मैसेज को, समझने के बाद कंप्लीट करता है मैसेज को, कैसे, इन द फॉर्म ऑफ गिविंग फीडबैक टू द सेंडर। आप ये कह सकते हैं कि यहां पर लिसनर, स्पीकर ने कुछ कहा, लिसनर सुनता है, सुनने के बाद चीजों को पूरी तरीके से समझता है, और समझने के बाद क्या करता है, उस चीज का क्या देता है, रिप्लाई देता है, किसको देता है, सेंडर को, जिसने वो मैसेज रिसीवर तक पहुंचाया था। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट क्यों होता है, फीडबैक का रोल इंपॉर्टेंट क्यों होता है, क्योंकि अगर फीडबैक नहीं दिया जाएगा तो कभी भी अगर लिसनर को फीडबैक या लिसनर फीडबैक नहीं देगा तो कभी भी सेंडर को ये बात पता नहीं चलेगी कि जी वो मैसेज मैंने रिसीवर तक पहुंचाया, वो मैसेज उस तक पहुंचा या नहीं, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, जिस भाव के साथ, जिस फीलिंग्स के साथ, जिस मैसेज के साथ, थर्ड पॉइंट, मैंने वो मैसेज रिसीवर तक पहुंचाया, उसके पास उसी फीलिंग्स, उसी भाव और उसी मैसेज, वही मैसेज पहुंचा या कुछ और उसके अंदर फिल्ट्रेशन हो गई। तो फीडबैक का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी कम्युनिकेशन के प्रोसेस में, और अगर एक्टिव लिसनिंग होती है तभी फीडबैक रिसीवर सेंडर को पहुंचाता है, अन्यथा कोई भी फीडबैक पहुंचाया नहीं जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या कहता है, वेन लिसनर आप ये कह सकते हैं कि अटेंटिवली क्या करता है, लिसन करता है, सुनता है, और क्या देता है, गिव्स फीडबैक, उसको फीडबैक देता है, ठीक है। तो वो क्या मतलब, एक तरीके से हम ये मान के चल रहे हैं कि जो उसने फीडबैक दिया वो वही उसने बताया जो कि सेंडर ने रिसीवर तक पहुंचाया था। तो सेंडर को बड़ी खुशी होती है, क्यों होती है, कि मैं जो बात कहना चाह रहा था वही बात रिसीवर ने उसी प्रकार से समझी जिस प्रकार से मैंने कहना चाहा। यानी कि उस समय वो व्यक्ति बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, मोटिवेट हो जाता है। किस चीज के लिए मोटिवेट हो जाता है, अगली बार रिसीवर को कोई बात कहने के लिए, और वो एंथुजियास्टिक भी अपने आप को फील करने लगता है। एंथुजियास्टिक का मतलब क्या होता है, उसका बहुत ज़्यादा उत्साहवर्धन भी हो जाता है। आई होप आपको एक्टिव लिसनिंग समझ में आ गया होगा, आई होप सभी बच्चों को एक्टिव लिसनिंग समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं कि 5 steps to active listening। जब भी आप और हम एक्टिव लिसनिंग करते हैं तो कौन से 5 steps होते हैं जो हमें एक्टिव लिसनिंग के लिए फॉलो करने चाहिए। सबसे पहले, जब भी अगर हम अच्छी एक्टिव लिसनिंग करना चाहते हैं तो लिसनर को हमेशा क्या करना चाहिए, द लिसनर शुड ऑलवेज लुक, द लिसनर शुड ऑलवेज लुक इन टू द आईज ऑफ द स्पीकर। अगर लिसनर अटेंटिवली, ध्यानपूर्वक लिसनर जो है वो स्पीकर की आंखों में देखेगा,
ठीक है, तो शायद उसको चीजें और अच्छी तरीके से समझ में आएंगी, या आप कह सकते हैं इनटू आईज ऑफ द स्पीकर एज फार एज पॉसिबल। एज फार एज पॉसिबल का मतलब क्या हुआ, अब ऐसा नहीं कि उसे लगातार घूरना ही घूरना आके खोल के, एज फार एज पॉसिबल का मतलब क्या हुआ, जितना हो सके ध्यान से उसकी बातों को सुने, और सुनने के बाद उसे क्या करे, फॉलो करे। क्या फॉलो करे, हिज हिज मूवमेंट्स। मूवमेंट्स का मतलब क्या होता है, जो भी हाव भाव स्पीकर बोलने के दौरान लिसनर को दे रहा है, जो भी हाव भाव स्पीकर बोलने के दौरान लिसनर को दे रहा है, लिसनर को स्पीकर के उन्हीं हाव भावों को ध्यान से सुनना चाहिए, समझना चाहिए और उसको फॉलो करना चाहिए। अगर वो ऐसा कहता है या करता है तो शायद हम कह सकते हैं कि एक्टिव लिसनिंग करने में, चीजों को सुनकर समझकर और फीडबैक देने में उसको फायदा होगा। सेकंड पॉइंट आपका क्या है, समराइज। समराइज करना चाहिए हमें क्या, व्हाट द स्पीकर इज सेइंग। अब इस पॉइंट का मतलब क्या है, समराइज व्हाट द स्पीकर इज सेइंग। जब स्पीकर कुछ कह रहा होता है तो लिसनर उसकी सारी बातों को सुनता है, सुनने के बाद एक्टिव लिसनिंग वो होती है जब सारी बातें स्पीकर अपनी कह के खत्म कर ले, तो लिसनर को समरी बनानी चाहिए अपने दिमाग में या किसी पेपर पर उसको लिख लेना चाहिए शॉर्ट फॉर्म में या सारांश के तौर पर कि असल में स्पीकर क्या कहना चाह रहा था, ताकि भविष्य में फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए वो चीज़ उसके लिए फायदेमंद उपयोगी साबित हो जाए। ठीक है, अगर वो चाहे तो याद कर सकता है, एल्स द पर्सन कैन टेक डाउन द नोट्स। आप नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, वैसे सजेस्टेबल ये होता है कि सभी बच्चों को नोट्स बनाने चाहिए। नेक्स्ट आपका एक्टिव लिसनिंग में क्या होता है कि आपको लिंक इस्टैब्लिश करना चाहिए। अब किस चीज़ का लिंक इस्टैब्लिश करना चाहिए, मान लीजिए स्पीकर ने आपको ये पढ़ाया, ठीक है, आपको एक टॉपिक पढ़ाया जिसका नाम था पॉल्यूशन, एग्जाम्पल है ये इसका, स्पीकर ने आपको एक टॉपिक पढ़ाया पॉल्यूशन, अब आपको लिंक करना चाहिए। क्या लिंक करना चाहिए कि आप इसके बारे में बिफोर पहले से क्या जानते थे और इसके बारे में आफ्टर सुनने के बाद क्या जाने। इससे आपको ऑलरेडी नो, आपको ये पता चल जाएगा कि आपने कितना ग्रैस्प किया, आपने सुनने से पहले कितना जानते थे और उसकी बातों को सुनने के बाद कितना जाने, दोनों को मिलाइए तो पता चलेगा कि आपने कुछ चीज़ों को सीखना चाहा या सीखने की कोशिश करी या फिर नहीं। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या कहता है, आस्क क्वेश्चंस। ठीक है, आस्क क्वेश्चंस का मतलब क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि स्पीकर बोल देता है लेकिन लिसनर उससे कुछ भी पूछना पसंद नहीं करता, डर के मारे नहीं पूछता, पता है तो नहीं पूछता, एटीट्यूड में रहता है, ईगो में रहता है, या स्पीकर के साथ उसकी पर्सनल बायसनेस है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो स्पीकर को क्या करना चाहिए, स्पीकर को एक मौका देना चाहिए रिसीवर को किस चीज़ के लिए, ताकि रिसीवर को अगर कोई भी प्रॉब्लम है या उसके कोई भी किसी प्रकार का डाउट है या कन्फ्यूजन है या कोई प्रॉब्लम है या उसके दिमाग में कोई भी डाउट है या एक तरीके से आप कह सकते हैं उसकी कोई भी क्वेरी है, तो वो क्वेरी आपकी क्या हो जाए, रिजॉल्व अप हो जाए। ऑन द अदर हैंड, ठीक है, रिसीवर को भी आंसर करना चाहिए क्वेश्चंस। कौन से क्वेश्चंस आंसर करने चाहिए, जो कि रिसीवर को भी आंसर करने चाहिए, वो क्वेश्चंस जो कि सेंडर उससे पूछ रहा है। इससे फायदा ये होगा कि दोनों को एक दूसरे के बारे में पता चलेगा, अगर वो उससे पूछ रहा है तो इसका मतलब वो लिसनर इंटरेस्टेड है, और अगर लिसनर आंसर दे रहा था तो इसका मतलब स्पीकर भी इंटरेस्टेड था लिसनर से इन्वॉल्व अप होने में। तो आई होप आप सभी लोगों को एक्टिव लिसनिंग समझ में आ गया होगा। अब हम एक्टिव लिसनिंग का साथ में दे रखा होता है पैसिव लिसनिंग। अब हम टॉपिक पढ़ेंगे कि पैसिव लिसनिंग क्या होती है। मैं एक बार फिर आपको रिपीट कर दूं कि ये जो टॉपिक है आपका एक्टिव लिसनिंग और पैसिव लिसनिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेमेस्टर के पेपर में अगर
लिसनिंग में से बात करूं तो ये टॉपिक जरूर आता है, ठीक है। इस चीज को कृपया करके बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा। देखिए एक्टिव और पैसिव लिसनिंग दोनों के अंदर ही 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। आई होप सबको 90 डिग्री का एंगल तो याद होगा ना कि लिसनिंग में 90 डिग्री बनता है और हियरिंग में 180 डिग्री बनता है। पैसिव में भी एक्टिव की तरह 90 डिग्री का ही एंगल बन रहा है, बट डिफरेंस है, एक छोटा सा डिफरेंस है। आगे थ्योरेटिकल तो मैं बताऊंगी, लेकिन पहले मैं बता देती हूँ कि एक्टिव में क्या हो रहा था। स्पीकर कुछ कह रहा था, लिसनर उसकी बात को सुन रहा था। सुनने के लिए वो क्या कर रहा था, कानों से सुन रहा था और दिमाग से समझ रहा था और मुंह से रिप्लाई कर रहा था। मगर पैसिव में क्या होगा, पैसिव में जब स्पीकर कुछ कहेगा तो लिसनर क्या करेगा, कानों से सुनेगा, दिमाग तक उसे एनालाइज करेगा, मगर रिप्लाई नहीं करेगा। अगर सुनकर समझता भी नहीं तो हियरिंग हो जाता, लेकिन यहां उसने क्या किया, सुना समझा लेकिन रिप्लाई किसी कारणवश उसने नहीं किया। इस चीज को हम एक इंट्रोडक्टरी फेज में कहूं तो पैसिव लिसनिंग कहते हैं। इस टाइप के लिसनिंग में क्या होता है कि जो भी ये टाइप की लिसनिंग अकर होती है व्हेन जो लिसनर होता है वो हम कह सकते हैं कि ही डज नॉट वर्बली रेस्पॉन्ड टू द स्पीकर। वही बात मैंने आपसे कही कि वो मुंह से बोलेगा नहीं। मुंह से बोलना मतलब क्या हुआ, वर्बली, मौखिक तौर पर वक्ता श्रोता को नहीं, मौखिक तौर पर श्रोता वक्ता को पलटकर जवाब नहीं देगा। आप ये कह सकते हैं कि समटाइम्स वी हियर समबडीज स्पीच, कई बार ऐसा होता है एग्जाम्पल के तौर पे कि कोई इंसान कुछ कहता है, हम उसकी स्पीच को सुनते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हमारा दिमाग जो होता है उस माइंड, हमारा माइंड जो होता है उसके उस मैसेज को परसीव कर लेता है, उसके उस मैसेज को ग्रास्प कर लेता है जो वो बंदा स्पीच के माध्यम से हमें देना चाह रहा था। मगर जो अब उस स्पीच को ग्रास्प अप कर लेता है तो ग्रास्प अप करने के बाद दोनों के बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं होता, ठीक है। दोनों के बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं होता, कहने का मतलब है चीज़ों को समझ तो लिया जाता है लेकिन उसका कोई रिप्लाई नहीं दिया जाता, तो इस चीज़ को हमारा पैसिव लिसनिंग कहते हैं। माइंडेड इसका मतलब ये नहीं है कि वो सुनेगा और एक कान से दूसरे कान से निकाल देगा। अगर सुनकर दूसरे कान से बाहर निकाल दिया तो हियरिंग हो जाएगा, सुनकर समझा और समझने के बाद जवाब दिया तो एक्टिव हो जाएगा, और सुनकर समझा मगर किसी कारणवश रिप्लाई नहीं दिया वो आपका पैसिव हो जाएगा। अगर इस टाइम हम ऑनलाइन क्लासेस की बात करें तो ऑनलाइन क्लासेस में एक्टिव लिसनिंग भी होती है, पैसिव लिसनिंग भी होती है और हियरिंग लिसनिंग भी होती है, ये काम क्लास में भी होता है। अगर मैं इस समय करंट वीडियो की बात करूं, ठीक है, तो जो लोग इस वीडियो को ध्यान से देख रहे होंगे वो लोग मेरे साथ पैसिव लिसनिंग कर रहे हैं, एक्टिव तो नहीं कर सकते क्योंकि सुन रहे हैं समझ रहे हैं लेकिन स्टेप नंबर 3 रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। यहां पर क्या हो रहा है, सुन रहे हैं समझ रहे हैं और रिप्लाई जो है नहीं कर रहे, तो ये आपका पैसिव लिसनिंग हो गया। तो ऑनलाइन क्लासेस जो अभी वो तो एक्टिव पैसिव और हियरिंग कुछ भी हो सकता है उसके अंदर, लेकिन वीडियो लेक्चर्स हमेशा आपके पैसिव लिसनिंग है, उन्हीं लोगों के लिए जो जो चीजों को समझ रहे हैं। अगर आप समझ ही नहीं रहे तो इसका मतलब आप हियरिंग कर रहे हैं। तो पैसिव लिसनिंग क्या होती है कि जब स्पीकर सुनता बोलता है और लिसनर उसकी बात को सुनकर समझता है लेकिन किसी कारणवश वो लिसनर जो होता है वो स्पीकर को जवाब उसके मैसेज का नहीं देता है, तो इस टाइप को, इस चीज को हमारा पैसिव लिसनिंग कहते हैं। इसके अंदर कम्युनिकेशन हो इट इज नॉट डिजायरेबल। डिजायरेबल मतलब आप ये कह सकते हैं जरूरी नहीं है कि आपके बीच में कम्युनिकेशन हो, बिजनेस के टाइम पर भी कई बार ऐसा हो सकता है, ठीक है। आप ये कह सकते हैं कि ये इसके कंपैरिजन में, एक्टिव के कंपैरिजन में लेस एफर्ट हमारा इसके अंदर लगता है। लेस एफर्ट क्यों लगा, क्योंकि इसमें एक ही काम तो हुआ, सुना और समझा बस, तो यहीं पे तो मेहनत करी, जबकि उसमें क्या था, सुना समझा और रिप्लाई किया, तो इन दोनों में आपको मेहनत करनी पड़ी एक्टिव में, तो वहां पर मोर एफर्ट लगा लेकिन यहां पर क्या लगा, लेस एफर्ट लगा, यानी कि यहां पर मेहनत आपको कम करनी पड़ी। आप कह सकते हो कि यहां पर आपका जो एंथुजियास्टिक लेवल होगा या आपका जो मोहित होने का, ये एक एक्टिव होने का या
अटेंटिव होने का जो प्रोसेस था वो एक तरफा हुआ, कम होगा, ठीक है। और आप यहाँ पर केयरलेस भी हो सकते हो, मतलब कि सुना सुना, नहीं सुना इग्नोर भी कर दिया, क्योंकि आपको ये पता है कि कोई क्वेश्चन मुझे नहीं देना, कोई क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं देना और कोई मुझसे रिप्लाई देने के लिए नहीं है, ठीक है। अगर हम एक बात और कहें तो यूजुअली क्लास में बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो पैसिव लिसनर्स होते हैं, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ लोग क्लास में पैसिव लिसनिंग करते हैं, ठीक है, और 50% आप कह सकते हैं लोग पैसिव लिसनिंग करते हैं क्लास में, और 50% में से 25% पीपल गोज फॉर एक्टिव लिसनिंग एंड 25% पीपल गोज फॉर हियरिंग, फाइन। तो ये आपका टॉपिक था जिसका नाम था आपका एक्टिव और पैसिव लिसनिंग। आई होप आपको एक्टिव और पैसिव लिसनिंग समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद जो हम वीडियो में मिलेंगे उसमें हम लास्ट बिल्कुल लिसनिंग का पढ़ेंगे कि डूज और डोंट्स ऑफ लिसनिंग क्या होता है और हमें कौन कौन से रीजंस होते हैं जिसके कारण हमारी पुअर लिसनिंग हो जाती है, ठीक है। आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दोबारा बताती हूँ, एक्टिव मतलब सुनना, समझना, रिप्लाई करना, और पैसिव मतलब सुनना, समझना मगर रिप्लाई किसी कारणवश नहीं करना, ठीक है। बस इतनी सी बात आप याद रख लीजिएगा तो आपको चीजें अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगी। आप ये बात याद रख लीजिएगा, सुनना, समझना, रिप्लाई देना, एक्टिव लिसनिंग, स्टेप 1, 2, 3 एक्टिव लिसनिंग। सुनना फर्स्ट, समझना, रिप्लाई ना देना, पैसिव लिसनिंग, एक कान से सुनना दूसरे कान से निकाल देना। आई होप सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। थैंक यू।